पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने दिया इस्तीफा। खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने पंचायती राज मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। भूपेंद्र चौधरी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा। बता दें कि उन्हें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत भूपेंद्र चौधरी ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। अब उनका पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में संगठन और मजबूत करने के लिए होगा। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है। जनपद पुलिस द्वारा मंगलवार को धारा 14 वन उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के विरुद्ध अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी की लगभग 4.25 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क किया गया। गाजीपुर से प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, अपराध और अपराध नियंत्रण के लिए लगातार माफियाओं के खिलाफ, गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। धारा 14 ए गैंगस्टर एक्ट में विगत 2 महीने में लगभग 43 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मुख्तार अंसारी गैंग ने की जब्त की गई है। आज हम लोग दर्जी टोला अहमदाबाद में है, यहाँ पे 0.33 हेक्टेयर जमीन जो है वो कुर्क की गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू 4.20 सीआर के आसपास है। यह जमीन जो है मुख्तार अंसारी ने अपने सहयोगी जफर उर्फ चंदा के नाम पे कर दी थी, जो उसका क्लोज एड था, बिल्कुल नज़दीकी व्यक्ति था। ऐसे अन्य व्यक्तियों के ऊपर न जो कि मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के बिल्कुल करीबी हैं, जिनके प्रॉपर्टीज नाम पे न कराई गई है, लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। एसपीआरए के नेतृत्व में टीमों का गठन जो है वो किया गया है। लगातार इस तरीके की कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी। अभी जिसके ऊपर कुर्की कार्रवाई, जफर चंदा के ऊपर जफर मुकदमा कितना है? जफर उर्फ चंदा के ऊपर लगभग एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। बाराबंकी में इस व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी में भी मुकदमा पंजीकृत है, परंतु जितनी भी प्रॉपर्टी इसके नाम पे रखी गई है, मुख्तार अंसारी क्या चूंकि क्लोज एड रहा है तो उन्हें उसके नाम पे प्रॉपर्टी उन्होंने रखी है। कैबिनेट मंत्री के दौरे से ब्लॉक प्रमुख की खुली नींद, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा। खबर वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के चिरई गांव से है। बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा करते हुए सोमवार की दोपहर ढाब क्षेत्र के रामचंदीपुर पहुंचे चिरई गांव के ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सिंह। कहा कि ढाब क्षेत्र के लोगों को पशुओं के इलाज के लिए जालूपुर जाना पड़ता है। पशुओं की परेशानी को देखते हुए ढाब क्षेत्र में एक पशु चिकित्सालय बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। बाढ़ का पानी उतरते ही इस पर काम चालू हो जाएगा। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से मिलकर भूसा और राशन की कमी नहीं होने देने का आश्वासन दिया। चौबेपुर से सुनील यादव की रिपोर्ट है कि ये हमारे पूरे ढाब क्षेत्र में रामचंदीपुर, मुस्तफाबाद, मुकलपुर, गोबरहा, रामपुर, इन गांवों में एक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, वो पशु डॉक्टर नहीं यहाँ पे बैठ, मतलब एक यूनिट यहाँ पे हम लोग नया जो है एक नया सेंटर खोल रहे हैं कि पशुओं को इलाज के लिए आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाए, ब्लॉक ना जाना पड़े या दूर आपको, अभी तक जालूपुर नज़दीकी में जालूपुर था, जाना पड़ता था, तो अब आपको ये सुविधा यहीं मिल जाएगी इन इसी ढाब क्षेत्र में, ठीक है। रामचंदीपुर में भी उसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सर, कटान के संबंध में? कहाँ की कटान? ये सोता में जो कटान हो रही है इसके संबंध में? ये तो बहुत बड़ा मामला है। इस संबंध में कल हमने देखा था कि माननीय मंत्री जी अनिल राजभर जी भी कुछ, काफ़ी किसानों की सर जमीन कट गई है, वो भूमिहीन हो चुके हैं, अगर उनको मुआवजा मिल जाए जो ज़मीनें कटी हैं तो कुछ राहत उनको मिल सकती है। इस संबंध में हमने माननीय स्वतंत्र देव मंत्री जी आए हुए थे, जल संसाधन एवं बाढ़ प्रबंधन मंत्री हैं, तो उनसे ये प्रस्ताव हमने रखा था यहाँ का, और डीएम साहब से भी बात हुई थी। डीएम साहब ने बोला है कि अभी मनरेगा के तहत पूरे कच्चे काम के, पूरे इस ढाब क्षेत्र पे मनरेगा से मिट्टी का काम एक मेड़बंदी कराते हैं पहले, फिर उसके बाद उसको, ये तो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा लागत का कार्य है, फिर उसको पक्का करने का थोड़ा लंबी प्रक्रिया है। अभी इस संबंध में डीएम साहब से बात हो रखी है और मंत्री जी को भी मैंने बताया है कि ये क्षेत्र हर काफ़ी दिनों से हम लोग इस चीज़ को झेलते आ रहे हैं। अब इसका भारी मात्रा में मादक औषधियां बरामद, महिला गिरफ्तार। खबर गाजीपुर से। मोहम्मदाबाद थाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ NDPS अधिनियम के अभियोग में अभियुक्ता को गिरफ्तार कर उसके पास से भारी मात्रा में अनाधिकृत सामक औषधि बरामद की गई है। हमारे सहयोगी संवाददाता झूलन यादव की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में कल शाम को एक महिला की गिरफ्तारी करी है।
इस महिला का नाम सुमित्रा देवी है। इस महिला से एसपीआरए और पूरी टीम ने पूछताछ की है। इन लोगों से कुछ इंजेक्शन बरामद हुए इस महिला से, जिसका नाम लिजेसिक इंजेक्शन है जिसकी 143 शीशी प्राप्त हुई है, और एविल इंजेक्शन है जिसके 10 ml के लगभग 284 शीशी और 2 ml के 370 शीशी प्राप्त हुए, बाकी सिरिंजेस नीडल इत्यादि प्राप्त हुआ है। ये जितने भी ड्रग के अभी मैंने नाम लिया है, ये शेड्यूल H1 में ये ड्रग आते हैं और इनको ओवर द काउंटर बेचना प्रतिबंधित है। ये ड्रग में दो इम्पोर्टेंट जो है वो कंपोनेंट होते हैं, एक तो बुपरी नॉर्फिन एक कंपोनेंट होता है और एक फिनिरामीन मैलेट एक कंपोनेंट होता है। ये बेसिकली अगर इसको कंजम्पशन एक के बाद एक अगर एक ही इंजेक्शन में हम लोग करते हैं, अलग अलग इंजेक्शन में सेम टाइम पे करते हैं, तो नशा जो है वो अफीम के लगभग 60 गुना ज़्यादा नशा इन इंजेक्शन से होता है। इस महिला की गिरफ्तारी इसमें की गई है। इसको सप्लाई करने वाले कुछ दो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR के भी नाम जो है वो सामने आए हैं। इस पूरे प्रकरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक जिले की कंपनी इसमें सप्लाई लगातार कर रही है पूर्वांचल में। कंपनी का नाम हम लोगों को ज्ञात हुआ है। इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। SPRA महोदय को इसमें इस पूरे टीम का लीडर बनाया गया है और उनके नेतृत्व में इस पूरे घटना को और अनावरण जो है वो किया जाएगा। खबर बरेली से है। SSP ऑफिस में महिला ने दरोगा की पिटाई। जूते चप्पल से महिला ने दरोगा को पीटा। दरोगा को जूते चप्पलों की माला पहनाने की भी की कोशिश। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अरे इसको मैं भाग पड़ेगा दरोगा।